अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज मार्कोनिकव्स रूल। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्कोनिकव रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रूल है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मार्कोनिकव्स रूल क्या है, यही स्टूडेंट्स मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगी। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें सबसे पहले जो है मैं आप लोगों से इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करूँगी कि मार्कोनिकव्स रूल जो है वो क्या है, ठीक है। इस रूल को हम किस लिए यूज करते हैं। सेकंड जो है मैं इसकी इसमें फिर आप लोगों से एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं कि ये रूल क्या स्टेट करता है। इट स्टेट्स दैट व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें स्टूडेंट्स दो बातें हैं, जो दो मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें बातें हैं वो आपने याद रखनी है कि एक वो ये कह रहा है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये रूल जो है आपने अप्लाई करना है, मार्कोनिकव्स रूल ये अल्कीन्स में जो है वो मोस्टली आपको दिखने में नज़र आएगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स जो हैं उसके अंदर मार्कोनिकव्स रूल को आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। पहले क्या है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड, उस जगह पर जाएगा, उस रिएजेंट जो है नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन पे जाएगा जिसके अंदर कार्बन बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड। एंड सेकंड क्या, सेकंड पॉइंट क्या है कि विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा, जिसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो या विच कॉन्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड। एंड सेकेंड क्या है, पॉइंट है कि विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे तो वो आपका जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैच होगा। तो इसी रूल को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मार्कोनिकव्स रूल कहा जाता है। इसी रूल को हम मार्कोनिकव्स रूल कहते हैं। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स कि आपका जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल किसे कहते हैं, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है कि आपके पास अल्कीन क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे कि इथीन है स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखें जिसको हम बीच में से कट करें, ठीक है, तो ये जिसमें इक्वल बीच में से हम उसको कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। तो आप देखें कि इस साइड पे भी मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे भी CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये कौन सी अल्कीन है, आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन है जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो हम यानी कि जिसमें सिमेट्री एक जैसी हो जाए, ठीक है। तो इस ऐसी अल्कीन को हम क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन कह रहे हैं। लेकिन ऐसी अल्कीन कि जिसके अंदर क्या हो कि मतलब इक्वल जो है वो जिसको हम बीच में से हाफ डिवाइड करें तो इक्वल वो हाफ्स में डिवाइड ना हो, तो ऐसी अल्कीन को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। अब उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आपके पास प्रोपीन है। देखें कि हम ये एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 वैलेंसी सेटिस्फाई करें, तो अब आप देखें स्टूडेंट्स के अगर मैं इसको बीच में से कट करूं, ठीक है, तो आप देखें ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब कैसे कि अगर मैं इधर से इसको कट करती हूँ तो यहाँ पर आपके मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर जो है ये जो आपका विनाइल ग्रुप या आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो ये विनाइल ग्रुप जो है वो इस तरफ अटैच है, ठीक हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये ग्रुप लगा होता है, इसको हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो आप देखें कि ये आपका जो है वो यहाँ पर इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब दो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं ग्रुप, तो हम इसको अल्कीन को क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्या है आपकी ये वाली, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया है कि आपकी सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है। कि सिमेट्रिकल क्या होती है, जिसमें आप उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें तो वो आपकी सिमेट्रिकल अल्कीन होगी, और जिसमें वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो सके तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। तो आपकी जो इथीन है वो आपकी सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसी तरह जो ब्यूटीन है, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ सिमेट्रिकल अल्कीन की, कि CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, तो इसको भी देखें इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें तो यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है, और यहाँ से भी डिवाइड करें इसमें इक्वल हाफ्स में जैसे आपने डिवाइड किया तो इधर भी आपका CH3 ग्रुप है। तो ये क्या आपकी सिमेट्रिकल अल्कीन्स की दोनों एग्जांपल हैं, इथीन भी और साथ में ब्यूटीन भी। लेकिन आपके पास जो प्रोपीन है ये आपकी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जिनके अंदर जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगी, और जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगी, ठीक है।
तो ये तो स्टूडेंट्स आपको होप्सो के पॉइंट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो है क्या हुआ कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो है वो ऐड हो रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब जो आप रिएजेंट ऐड कर रहे हैं वो भी अनसिमेट्रिकल, उसमें भी कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। सो वो आपने ऐड करना है, और ऐड कैसे करना है मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो पार्ट्स को आपने जो है वो मेन पार्ट्स को जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट क्या कि वो जो नेगेटिव जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो किधर ऐड होगा रिएजेंट का, कि ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और सेकंड क्या कि विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और इसके अंदर लीस्ट नंबर यानी कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो कम से कम हो। तो आपने उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव पार्ट को जाके रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जाके अटैच करना है, ठीक है। अब इसको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू जब आप लोगों से डिस्कस करूंगी तो फिर आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल की तरफ आती हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल आपको दी जा रही है। तो ये आपके पास क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन है कैसे कि 1, 2 और 3 तीन कार्बन हैं, और आपको पता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसका सही से नेम दें तो ये इसका नाम होगा 1-propene। 1-propene तो इसका नेम हो गया। अब ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यही बात मैंने आपसे भी डिस्कस की थी कि आप देख रहे हैं कि प्रोपीन है और इसमें जो है वो क्या है कि कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब जिसको इक्वल हाफ में डिवाइड जब कट किया बॉन्ड को तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा, सो इसी वजह से ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगी, ठीक हो गया। अब ये आपका स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये जो आपका रिएजेंट है HBr, ये HX हैलोजन एसिड है जिसको आप हैलोजन एसिड भी कहते हैं और हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल क्या है कि जिसको इक्वल, ये भी अनसिमेट्रिकल है मतलब जिसमें सिमेट्री मौजूद नहीं है, इस साइड पर आपका हाइड्रोजन है और इस साइड पर ब्रोमीन है, तो दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। सो इसमें भी सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जब ये आपका एक पार्ट जो है वो इसमें पोलैरिटी आ गई है कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पोल है, दूसरी साइड पे पार्शियल नेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये ब्रोमाइड है, और ये दूसरी साइड पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये नेगेटिव पार्ट है और ये इस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है। तो मैंने आपसे कहा कि नेगेटिव पार्ट किस वाले कार्बन पे जाएगा कि कार्बन टू कार्बन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है उसने, कि एक के कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो आप देखें ये वाली चॉइस तो खत्म हो गई कि सिंगल बॉन्ड है ये, इसके पास तो जाएगा नहीं, अब यहां पर जाएगा कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इनके बीच मौजूद है। तो अब पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ये वाली पॉइंट है कि ये तो साइड पे काट दिया आपने कि इसको बिल्कुल बीच में नहीं लेकर आना, ठीक है, ये साइड पे हो गया। अब ये वाले कार्बन की बात हो रही है, इनके ऊपर अटैच करवाना है। अब इनमें से भी किस पर के ऊपर अटैच होगा जिसके अंदर लीस्ट नंबर, अब यहां पर तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी, विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अब इसमें देखें कि हाइड्रोजन इसके साथ दो है और इसके साथ एक है, तो अब क्या होगा कि आपका ये नेगेटिव पार्ट बी आर किधर जाके अटैच करेगा, इस सेकंड वाले कार्बन पे अटैच होगा, ना कि फर्स्ट वाले कार्बन पे। तो आप मुझे खुद बताएं कि आपके पास कौन सी वाली प्रोडक्ट जो है वो बननी चाहिए, ये वाली फर्स्ट प्रोडक्ट बननी चाहिए या सेकंड वाली प्रोडक्ट बननी चाहिए। तो आप देखें कि जब हमने बी आर को वन वाले इस वाले कार्बन पे अटैच किया है तो ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर तो ज्यादा लीस्ट नंबर की मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, सो इसी वजह से दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्मड, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी, यानी कि आपके पास 1-bromopropane नहीं बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट जो है यहां पर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, सो इसी वजह से ये नहीं बन रहा। लेकिन आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए कि इसने बी आर ने कहां पर जाना है, इस वाले कार्बन के ऊपर जाना है, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है और विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स भी इसमें लीस्ट है, ठीक है। सो इसी वजह से ये बी आर आप नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेकंड जो आपका ये इसकी प्रोडक्ट है ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये एक्चुअल जो प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी 2-bromopropane, इसका नेम है। 2 पोजीशन पे आप देखें कि आपका जो है बी आर ग्रुप ब्रोमीन ग्रुप जो है वो नेगेटिव पार्ट जो है वो रिएजेंट का ऐड होगा। तो इसी को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मार्कोनिकव्स रूल कहते हैं। तो होप्स ओके स्टूडेंट्स आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है, जिसको मैंने एग्जांपल के थ्रू आप लोगों से डिस्कस किया। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है स्टूडेंट्स, ये आपने जब ऐड किया तो ये रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड, पहले के वो डबल बॉन्ड उसके अंदर होना चाहिए, तो ये वाली चॉइस तो खत्म हो गई सिंगल बॉन्ड वाली, आपने डबल बॉन्ड वाले पे करना है फोकस। फिर विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अब इनमें से भी आपने कौन सा वाले को देखना है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स लीस्ट होंगे, तो इसमें फिर चॉइस जो है वो खत्म होगी, हाइड्रोजन जो है वो इसी वाले पे फिर आपने अटैक करना है। तो आपके पास कौन सी वाली
प्रोडक्ट बनेगी, 2 bromopropane बनेगी, 1 bromopropane नहीं बनेगी। तो ये जो है वो नहीं बनेगी, सो दिस इज नॉट फॉर्म्ड, और ये वाली एक्चुअल प्रोडक्ट होगी और ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। तो ये आपका जो है मार्कोनिकव रूल के थ्रू आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, और साथ में एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दी। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको जो पॉइंट है वो अच्छे तरीके से ये सब पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आपके पास 2-methyl-1-propene है। तो ये भी आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो कहा था जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, तो आप देखें स्टूडेंट्स इवन नंबर नहीं है, इसमें भी ऑड ही है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 पोजिशन पे मिथाइल जो है वो ग्रुप जो एज अ सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस लिहाज से आपने कन्फ्यूज नहीं होना, तो काफ़ी फिर आपको आसानी होगी। तो 2-methyl-1-propene जो है ये आपके 2 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 पोजिशन पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। तो आपने नॉर्मल लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लीस्ट नंबर ऑफ वहाँ से नंबर आपने देना स्टार्ट करना है जहाँ पर जो है वो लीस्ट नंबर जो है वो डबल बॉन्ड को मिले। तो यहाँ पर अगर देंगे तो 1-2 पोजिशन मिलेगी, जबकि यहाँ से देंगे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। तो इसी वजह से कार्बन 2-methyl-1-propene क्यों कहा, क्योंकि कार्बन पेरेंट चेन में जो है वो 3 कार्बन जो है वो मौजूद है, तो 2-methyl-1-propene इसका नहीं होगा। तो ये आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और जब इसमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr ही हम ले लेते हैं, तो इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसका ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट किस वाले कार्बन के किस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो आप अटैच होगा, तो आपने अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपने 2 चीज़ें देखनी है, एक ये कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, और दूसरा कि विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आप देखें कि ये वाली चॉइस तो खत्म हो गई कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसको आपने बिल्कुल साइड पर काट दिया। अब आपके पास ये वाला है, तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो यहाँ पर मौजूद है, तो इस वाले पे आपने जाके अटैच करना है। अब इनमें से किस वाले पे अटैच होगा, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, और दूसरा कि विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो स्टूडेंट्स आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स जो है इसके साथ 2 हैं और इसके साथ तो है 1 भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अब आप किधर जाके अटैच करेंगे इस Br को, इस वाले कार्बन के ऊपर, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैच करेंगे, ना कि फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो अब इसकी जो प्रोडक्ट को भी हम देख लेते हैं, तो आप देखें कि कौन सी प्रोडक्ट नहीं बन रही। तो देखें कि जब आप इसके साथ लगाएंगे तो इसके पास तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो Br यहाँ पर नहीं लगेगा, तो ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगी, सो इट विल बी नॉट फॉर्म्ड, यही लिखा गया इसलिए। और साथ में इसका नेम भी एक दफ़ा देख लें कि ये क्या है, 1-bromo-2-methyl-propane, ये आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनेगी। 1 ब्रोमो क्यों कहा, क्योंकि 1 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और पेरेंट चेन जो है वो 3 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, तो 1-bromo-2-methyl-propane इसका नाम है, लेकिन प्रोडक्ट ये स्टूडेंट्स नहीं बनेगी, इसी वजह से लिखा गया है नॉट फॉर्म्ड, ये नहीं बनेगी। लेकिन जो इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका मार्कोव निकव रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट आपके बननी चाहिए, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बननी चाहिए कि आप जिसमें देख रहे हैं कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, कि ब्रोमीन जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो इस सेकेंड वाले कार्बन पर जाके अटैच हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है, और दूसरा ये कि विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसमें तो हाइड्रोजन एटम है ही, तो इसी वजह से इधर ही जाके अटैच होगा। तो आप देखेंगे ये सेकेंड कार्बन पर अटैच है, तो आप इसको नंबर दें, तो ये पेरेंट जो है वो नेम दें, तो कैसे देंगे कि पेरेंट जो है वो उस पर 3 कार्बन जो हैं वो मौजूद हैं, इसी वजह से क्या होगा, सिंगल सारे बॉन्ड्स हैं, तो ये प्रोपेन होगा, ठीक है। और 2 पोजीशन पे जो है वो आप देख रहे हैं कि ब्रोमो ग्रुप भी लगा हुआ है, ये 1, 2 एंड 3, 2 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप भी लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप भी, तो आप नाम क्या देंगे, 2-bromo-2-methyl-propane, तो इस तरह से इसका नेम हो गया, और यही एक्चुअल प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स ये फॉर्म होगी इस रिएक्शन में। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से मार्कोव निकव रूल जो है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, और होप सो कि आपको जो रूल है उसकी भी अच्छे से क्लियर होगी, और इससे उसको जो मैंने अप्लाई किया है, दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी आज के लेक्चर में, तो वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरह से मजीद एग्जांपल्स पे भी आप स्टूडेंट्स ट्राई करें, और उसके मार्कोनिकव रूल अप्लाई करके आप एक्चुअल प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड होगी तो उसको आप जो है ना उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टिल आपके माइंड में स्टूडेंट्स कोई भी कंफ्यूजन है, या आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे इस लेक्चर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।